वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं बैंगलोर से लखनऊ। डिस्टेंस इज अराउंड 1800-1900 किलोमीटर्स के बीच में हम पहुंच गए हैं किया का शोरूम, जो अनंतपुर में शोरूम नहीं प्लांट, दैट इज द प्लांट। एंड हमने लिया अपना फर्स्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग कुछ 140-145 किलोमीटर्स। कोडी के हिसाब से बहुत लंबा था। एंड यस, वी आर ट्रैवलिंग विद अ पेट कोडी हु इज अ गोल्डन रिट्रीवर। एंड हम यहाँ आ गए हैं, अब थोड़ा फ्री हो लेंगे, चाय पानी पियेंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हमने अपनी जर्नी को डिवाइड किया है 3 दिन में। तो फर्स्ट डे पे हम जा रहे हैं बैंगलोर से हैदराबाद एंड हम कवर करेंगे 536 किलोमीटर्स। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से जबलपुर एंड देन जबलपुर से लखनऊ, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था इसलिए हमको ऐसे डिवाइड करना पड़ा। सो हम आज निकले हैं सुबह 4 बजे एंड करेंटली हो रहा है 6:30। हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर, अब चलते हैं आगे। हम आ गए अराउंड 243 किलोमीटर्स इस सीसीडी पे। हम लास्ट टाइम भी जब आई थिंक 1-1.5 साल पहले इस रोड से निकले तो हम इसी सीसीडी पे आए थे। एंड बट अभी 8 जस्ट बजा है, उसका ओपनिंग टाइम 8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी कोई आया नहीं, तो ये बंद है। हम 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर कोई आता है तो, अदरवाइज वील हैव कॉफ़ी, फिर वरना हम आगे निकल जाएंगे। बैंगलोर से 340 किलोमीटर्स पे है त्रितुंगा रेस्टोरेंट, अभी ओपन नहीं है बट जब ओपन होगा तो यू कैन कम हियर। साफ है और हमारे किसी काम का नहीं, हम चलते हैं आगे। एक झलक दिखलाए कभी कभी तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता है। घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हम हैदराबाद के आउटर्स में ही ऑब्वियसली, बिकॉज वो बेटर ऑप्शन है रादर देन सिटी के अंदर जाओ फिर निकलते समय जाते समय ट्रैफिक होगा। तो हम आ गए हैं अपने होटल पे, डिसेंट टाइम है, अभी ऑफिस भी करना है और जल्दी से कुछ खाने को भी ऑर्डर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो उस दिन हमने अपना ऑफिस कंप्लीट किया, फिर हम नीचे आए थे चाय वाय पीने, थोड़ा कोडी भी घूम लेता एंड उसके बाद हम गए ऊपर, हमने ऑर्डर किया डिनर। डिनर में वो था मैकडॉनल्ड्स एंड उस दिन बहुत ही जल्दी जल्दी हमने सब कुछ वाइंड अप कर लिया था। टेल मी इफ यू आर अ पीरी पीरी फ्राई फैन या नॉर्मल फ्राइज। कोडी नॉर्मल फ्राइज खाता है। कोडू फ्राइज खानी है। रात में सोने से पहले वाली वॉक, थोड़ा ये फ्रेश हो जाए, थक जाए और फिर बस गाड़ी से जो जरूरी सामान निकालना है वो निकाल के विल वाइंड अप फॉर द डे। चलो उधर उधर चलो। गुड बॉय। डे टू, 799 किलोमीटर्स टू कवर, जर्नी स्टार्टेड। चले गुडू। अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। सुबह के बज रहे हैं 4:12 एंड हम निकल रहे हैं हैदराबाद से। कौन है अंदर? पहनी नहीं इसने। 90 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, फिर हम आके रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चाय पानी करने का मन कर रहा था। बहुत देर स्टे
अभी यहाँ पे पीते हैं चाय। क्या तुमने फिर मुझे चाय पर्सन बना दिया है? Another 100 किलोमीटर्स पे एक ही ढाबा है, हम यहाँ रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। टाइम हो रहा है 6:50। कोडू को यहाँ रेस्ट पे कर दिया है और अब कुछ खाया जाए। उतरेंगे हम 455 किलोमीटर लेफ्ट, काइंड ऑफ आधे रास्ते आ गए ना। सीट बेल्ट हटाई नहीं है। कोडू उतरे, चलो आ जाओ भाई। अब हम एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका कवर हो चुका है। अब फाइनली जर्नी स्टार्ट। लेकिन जो जितना हमारा वो है लाइक ट्रैक रिकॉर्ड पुराना इस रास्ते पे जाने का, महाराष्ट्र के रोड्स बहुत खराब होते हैं। अब तक के रोड्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही एकदम स्मूथ। अभी आगे देखते हैं हमको कैसे मिलते हैं। पीस का डर था वही हुआ, सारी रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं, पैचेस भरे हुए हैं इन्होंने और स्पीड बहुत ही स्लो हो गई है। जितनी तेजी से हम लोग पूरा साउथ इंडिया क्रॉस करते हुए आए हैं, महाराष्ट्र में आके उतनी स्पीड स्लो हो गई है, सारे गड्ढे भरे हुए हैं। कुछ 140 किलोमीटर्स बचे हैं और हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। श्री माया ढाबा टाइप का है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए एंड चाय वगैरह पीने के लिए। आज हम सुबह 4:10 बजे निकले हुए हैं, करेंटली बज रहे हैं 3:30। काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह से, अभी लास्ट का 2 घंटा बचा हुआ है। करते हैं यहाँ से चाय पी के जल्दी निकलते हैं, फिर थोड़ा सा नैप लेने का बहुत मन कर रहा है, बहुत थक गया। कोडू भी बहुत थक गया है ना, हाँ प्याज डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टॉप पे हम ले रहे हैं चाय एंड आलू की टिक्की। चाय तो गजब है यार, चाय बढ़िया है। अंकल जी को बोल देना, अंकल जी खुश हो जाएंगे। क्या अंकल जी अंदर खड़े, अंकल जी खुश हो जाएंगे। चाय क्यों बोला हमने? ये है शिवारे रेस्टोरेंट, यहाँ पे चाय पी है। जबलपुर से अराउंड 70 किलोमीटर पहले है ये। अच्छी जगह थी, चाय भी बहुत अच्छी, टिक्की भी बहुत अच्छी थी। अब हम सीधे जाएंगे अपने रिजॉर्ट। किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हम कहाँ हैं? जबलपुर। अरे यार दिमाग ही नहीं चल रहा, इतनी सुबह से आए जबलपुर आ गए। एग्जैक्टली जबलपुर में नहीं है, जबलपुर के बाहर एक रिजॉर्ट हमने लिया एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे नर्मदा रिवर बहती लाइक लिटरली 100 meters पे। सो हम आज यहीं से करेंगे, कल थोड़ा सा लेट निकलेंगे। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द रिजॉर्ट। तो बस अभी जाते हैं अंदर, पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद आपको पूरा एरिया दिखाती हूँ एंड इट इज़ पेट फ्रेंडली।
सो ये था हमारा डे टू ऑफ जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू जबलपुर, जिसपे हमने कवर किया अप्रॉक्सीमेटली 820-830 किलोमीटर्स। एंड अब हम जबलपुर में स्टे कर रहे हैं एक रिजॉर्ट में, जहाँ पे ऑब्वियसली पेट्स अलाउड है। मैं उसका भी नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत टायरिंग जर्नी थी, बट इन दी एंड बिकॉज हमें 3 दिन में पूरी जर्नी कवर करनी है लखनऊ तक, तो इट वॉज दी ओनली सोल्यूशन। बट नागपुर से जबलपुर का जो रोड है बहुत अच्छा है, हमें लगा था शायद वहाँ ज़्यादा टाइम लगे। तो ऑल इन ऑल हैदराबाद से जबलपुर तक पूरा रोड बहुत अच्छा है, बट बीच में जब आप महाराष्ट्र एंटर करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा पैची रोड आ जाता है, थोड़े से गड्ढे भरे हुए हैं, तो आप बहुत हाई स्पीड पे वहाँ पे नहीं चला सकते। अदरवाइज ऑल इन ऑल, तो कल सुबह मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ से दिखती है नर्मदा का वाटरफॉल। सो अभी तो टाइम हो गया, अभी जाके रेस्ट करेंगे, फिर कल हम निकलेंगे यहाँ से लखनऊ। हम क्या रूट लेंगे उसकी डिटेल्स में देती हूँ आपको कल। वेलकम बैक, डे 3। सुबह के बज रहे हैं 9 और हमने कर लिया है चेकआउट हमारे रिजॉर्ट से, और हम यहाँ से अब निकलेंगे डायरेक्ट लखनऊ के लिए। सो जो रूट हम लेंगे, हम यहाँ से जाएंगे रेवा, रेवा से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ। मैप पे हमको दूसरा रूट भी दिखा रहा है, बट विनीत की बहुत रिसर्च के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम वो रूट लेंगे क्योंकि उसमें रोड बेटर है। भले ही वो 40-50 किलोमीटर लंबा है, बट टाइम दोनों का लगभग सेम है, तो ऑब्वियसली रोड उसका ज्यादा बेटर होगा। तो नाश्ता हमने यहाँ से कुछ किया नहीं है, सिर्फ चाय पी, बिकॉज मेरा पोहा खाने का बहुत मन था। ऑब्वियसली एमपी में यार पोहा नहीं खाया, बट यहाँ पोहा था नहीं, आज उनके मेन्यू में नहीं था, तो हमने सोचा हम बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो अब निकलते हैं। आज हमें कवर करना है कितना किलोमीटर्स, कैसे नहीं यार, हाँ आज हमें करना है 580 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। हाँ, और पीछे भी नहीं हट रहा था। NH34 से टर्न लेने के बाद हम आ गए हैं NH30 पे, और 17 किलोमीटर के बाद टर्न लेके हो जाएंगे NH43 पे। इस वाले NH की हालत थोड़ी सी खराब है, जो डिवाइडर है वो सही से बने नहीं है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे ये। रेस्टोरेंट मिल गया थोड़ा सा, क्योंकि इतना उबड़ खाबड़ था कि कोड़ी भी परेशान हो गया है। हम भी फोटो खिंचाएंगे, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। पेट्रोल पंप किड जोन ढाबा, हमने ऑर्डर कर लिया है मसाला डोसा और दो चाय, फिर यहाँ से खा के हम निकलते हैं। एमपी में ब्रेकर नहीं मिलेंगे, ऐसे जगह जगह गाय रोड पे खड़ी है, अपना बंदा वेट करे। तब से मैं बस, हमारे साथ इतनी बार ये हो चुका है कि हमको स्पेशली गाड़ी रोकनी पड़ी बिकॉज अचानक से कोई कैटल रास्ते में आ गया है। ओ नो, लड़ाई कर रही है। हाँ, कौन है कूड़ी? देखो कूड़ी, देखो कौन है। हाँ डांटो। Oh,
जैसे ही हम यूपी के बॉर्डर में एंटर करते हैं, उसके बाद 40-50 किलोमीटर्स के बाद से आपका प्रयागराज एके अलाहाबाद जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस रूट की एक ये प्रॉब्लम है कि आपको अलाहाबाद के अंदर से होके जाना पड़ता है, कोई बाहर से आउटर रिंग रोड नहीं है। आपको पूरा सारे ब्रिजेस, पूरा मार्केट, यू हैव टू क्रॉस एवरीथिंग एंड पीपल ड्राइव रेकलेसली इन अलाहाबाद। कोई फॉलो नहीं करता कुछ भी, बट एटलीस्ट ये व्यू अच्छा था। ये है नया वाला नैनी ब्रिज, लेकिन उसके बाद से हमने पूरा अलाहाबाद क्रॉस किया। उसके बाद एक्चुअली जो हाईवे है बिटवीन यूपी, बिटवीन प्रयागराज एंड लखनऊ, वो वन साइडेड है एंड बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, तो यू कैन नॉट कैच अ गुड स्पीड। आपको 60 अराउंड की स्पीड पे ही चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग गया। प्लस इट वॉज वेरी टायरिंग बिकॉज रोड के बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है, रोड के बीच में डिवाइडर भी नहीं था, तो कर कराते हमको काफ़ी टाइम लग गया एंड फाइनली हम पहुंच गए लखनऊ। एंड इट वॉज काइंड ऑफ वेरी टायरिंग जर्नी, बट हाँ, वी कवर्ड अराउंड 850 किलोमीटर्स टू रीच लखनऊ। ऑल इन ऑल द जर्नी वॉज गुड, वी रियली एंजॉयड इट। सो आई होप कि इस वीडियो से किसी को हेल्प मिले एंड यू कैन डिसाइड विच रूट टू टेक, वेयर टू स्टे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।